और इस वक्त मेरे साथ है सात फेरों की हेरा फेरी की स्टार कास्ट यानी शिखा सुमन और स्वाति शाह। चलिए इन्हीं के पास चलते हैं और इन्हीं से जानते हैं इनके कैरेक्टर्स के बारे में। आपको क्या लगता है ये जिस तरह की पोशाक है मेरी और जिस तरह से मैं खड़ा हूँ, कैरेक्टर क्या होगा? बड़ा डोमिनेंट किस्म का कैरेक्टर है, पंजाबी और दिल्ली से आया, बॉम्बे में सेटल्ड है, अपना ट्रैवल एंड टूर्स एजेंसी है जिसकी, और उसको लगता है कि इस रिश्ते में आई वेयर द पैंट्स और मुझे जो है सिर्फ हुक्म चलाना आता है, मुझे मनाना नहीं आता बीवी को, मुझे सॉरी कहना नहीं आता, मैं सिर्फ बताता हूँ, मैं मनाता नहीं। तो यही कैरेक्टर है और ये छोटी मोटी हेरा फेरी करते रहते हैं, मतलब लड़कियों के मामले में नहीं, और छोटी मोटी हेरा फेरी, छोटे छोटे झूठ, और हमेशा पकड़े जाते हैं। एक और कपल है, वो साथ मिलके ये लोग बदमाशियाँ करते हैं, तो सात फेरों की हेरा फेरी, क्योंकि इंसान जो शादी के बाद बंध जाता है उसको वो स्वच्छंदता और वो आज़ादी नहीं मिलती जो शादी से पहले रहती है, तो वो ढूंढता है उस आज़ादी को और उसकी गलतियाँ करता है, उसके लिए झूठ बोलता है, झूठ की इमारत बनाता है और वो इमारत ढह जाती है, वो पकड़ा जाता है। ओके स्वाति, आपको क्या ये डोमिनेट कर पाते? आपको देखने में तो नहीं लगता है कि आपको डोमिनेट कर पाते? मेरी साइज, मेरे चेहरे पे मत जाओ, देखो पर्सनालिटी भी कोई मायने रखती है, ऐसे कैमरा पैन करो यहाँ लेके यहाँ तक और ऐसे फिर ऐसे चेहरे पर ले आओ, यहाँ तक क्लोज अप, फिर पता चलेगा। There's a different trait also to his persona that he really loves his family. उसके लिए, उनके लिए, जैसे मेरे लिए मेरी फैमिली मेरा यूनिवर्स है, इनके लिए भी ये वाइफ को उतना ही प्यार करते हैं, अपनी बच्ची को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं। इट्स जस्ट दैट बीच बीच में थोड़ी सी ऐसी रंगीन मिजाज हो जाता है, नॉट इन द गलत सेंस, बट ऐसे छोटी बहुत मस्ती मजाक ही, वो बस उसी में हमारी जिंदगी चल रही है, अच्छी खासी बीत रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो आप कब राज करेंगी? हमेशा तो यही करते रहते, बॉसिज्म दिखाते रहते, आप कब करेंगी? क्यों? आई एम हैप्पी। वही तो है, बहुत औरतों के साथ ये होता है कि अभी जो कि गलत भी है कई जगह, अभी मैं बम्बई में पढ़ रहा था अखबार में कि एक पत्नी को एक पति बहुत मारता था, तो उसके खिलाफ लोगों ने एक आंदोलन बनाया और बोला आपके लिए हम कोर्ट में जाते हैं और केस करते हैं आपके पति। बोली नहीं नहीं, वो सही है, वो मुझे मारता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं जरूर गलती करती हूँ इसलिए मुझे मारता हूँ, आप लोग कौन होते हैं? मतलब वो तो भाग गए, भाई छोड़ दो, हम तो एक तो तुमको हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। तो इनको लगता है कि नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है डोमिनेंस की, ज़रूरत नहीं, मैं ऐसी ही हूँ और मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, तो मुझे ऐसे रहने दीजिए, मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है आगे हालात और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी पैदा हों जहाँ ये कोशिश करेंगी डोमिनेंट होने की और वो फुसपटाखा हो जाएगा या वो वर्क नहीं करेगा और फिर ये बात तय हो जाएगी कि नहीं मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। क्या कहना चाहते हैं व्यूअर्स से? यही कहना चाहेंगे कि हमसे जुड़े रहिए, हमको प्यार देते रहिए। आई थिंक ये जो हमारा रिश्ता है, ये एक अनजाना से रिश्ता है पर बहुत खूबसूरत रिश्ता है। हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, हम नहीं जानते आप कौन हैं, पर ये जानते हैं कि आप हैं और आपकी वजह से हमें जो प्यार मिल रहा है वो बहुत बड़ी ताकत है जिसकी वजह से हम अच्छा काम कर सकते हैं। सो कीप गिविंग अस दैट लव एंड अफेक्शन दैट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो कैरेक्टर्स हैं, जैसा ये कह रही थी, आप पाएंगे कि कैरेक्टर हर फैमिली में, ये प्रॉब्लम्स हर फैमिली में, ट्राई एंड रिलेट टू दैट। और इसकी सबसे अच्छी बात है इसकी जो सहजता है, इसका जो स्वाभाविक एक ह्यूमर है, एक नेचुरल ह्यूमर इज समथिंग दैट यू लाइक, दैट नोबडी इज मेकिंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेक यू लाफ, कि हम आपको हंसाएंगे, देखिए कितना हंसाते हैं और हम देखिए कितने गजब के एक्टर्स हैं, ये सब कुछ नहीं, तो कॉम्पिटिशन है नहीं, तो एक बहुत ही एक कलेक्टिव एफर्ट है जहाँ राइटर्स बहुत कमाल के हैं, डायरेक्टर बहुत कमाल के हैं और मैं खुशनसीब हूँ कि इनके जैसे एक्ट्रेस मिली है और तमाम जो लोग हैं मिले हैं, वेयर आई हैव यू नो लर्नड सो मच इन जस्ट अ फ्यू डेज, और मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री और बेहतर होगी और काम बेहतर होगा और आप इसी तरह हमें चाहते रहेंगे। अब चलते हैं सात फेरों की हेरा फेरी के और भी स्टार कास्ट के पास और उनसे जानते हैं उनके कैरेक्टर्स के बारे में और उनके शो के बारे में। पहले तो वेलकम टू यू मी और टीवी और E24। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टू बी हियर। ओके, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहती हूँ आपका कैरेक्टर किस तरह का है इस सीरियल में? मेरे किरदार का नाम है परिमल देसाई, ये एक शेयर ब्रोकर है, बॉम्बे में रहता है अपनी बीवी रूपल देसाई के साथ, और शेयर बाजार का तो धंधा चलते रहता है, सेंसेक्स ऊपर नीचे जाते रहता है, तो उसका भी एक टेंशन रहता है और ऊपर से जो बीवी है इनकी रूपल देसाई, वो इनको टेंशन देती रहती है बहुत, क्योंकि एक तो ये इसका नाम भूल जाता है और अब क्या है कि ससुर से थोड़े पैसे ले लिए हैं ये घर खरीदने के, तो थोड़ा सा दबा दबा रहना पड़ता है और स्ट्रिक्ट है ये जो है, देखिए इनकी आंखें देखिए कैसी स्ट्रिक्ट है। ओहो, ये क्या आप मतलब आंखों से आप कितना डराना चाहती हैं? मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो खाली लोग देखती हूं और ये डर जाता है।
मतलब ऐसा क्या है, आप ऐसी कौन सी हरकत करती हैं जिसकी वजह से ये बस देखते ही डर जाते हैं? वेल, मैं बीवी हूँ, ये सबसे पहली हरकत है और बीवी होने के नाते मेरा धर्म क्या होता है, जन्म सिद्ध अधिकार है हस्बैंड का धर्म भ्रष्ट करना। छोटा सा मैं कुछ चाहती हूँ कि आप दोनों कुछ इस तरह से हमारे ऑडियंस को दिखाइए अपनी स्टोरी जो आप लोग ऑन स्क्रीन कर रहे हैं, उसको थोड़ा ऑफ स्क्रीन करके हमारे कैमरे पे करके दिखाइए। मैं क्या कह रहा हूँ जिनल, क्या हुआ जिनल, तुम्हारा नाम जिनल? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ओ मैं भूल गया मीनल, मीनल, ओ सॉरी सॉरी मीनल, मैं मेरा भी ना ऐसा ये भूलने की जो है आदत। तुमने अगर मेरा नाम सही से नहीं लिया तो सही से तो लिया मीनल, बाथरूम में और अगर बाथरूम में लॉक किया ना तो खाना नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या क्या होता है बाथरूम में जाने के बाद, खाखरा वो क्या बोलते हैं दरवाजे के नीचे, देखा खाने में। बोलो नाम क्या है? नहीं नहीं ये तो मेरा नाम बोलो, नहीं पापा का नाम बोलना पड़ेगा, रूपल, 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 हाँ याद आया, याद आया, याद आया। तो आपको अमित ये बचपन से क्या भूलने की बीमारी थी शो में? शो में बीमारी लग गई है और ये बीमारी बढ़ते जाएगी। एक्चुअली शादी होने के बाद ना इनकी याददाश्त चली गई, ये सबके नाम हम और ये याददाश्त चली जाती है, हम तकलीफ में आ जाते हैं ना, तो क्या होता है कि ये जो हमारे बैचलर महाशय हैं, बंदा में बैचलर वाला टी शर्ट पहने हुए जो हमारे ये नारद है जो कविन दवे साहब हैं, जो क्या लगाते हैं ये हमें आइडिया देते हैं कि कैसे कैसे बचा जाए, और इनके आइडिया एक से एक कमाल के आइडिया होते हैं। तो ये थे सात फेरों की हेरा फेरी के स्टार कास्ट, जिन्होंने हमसे बातचीत की और जिन्होंने हमसे अपने शो के बारे में काफ़ी कुछ बताया। तो 27 फरवरी से देखना मत भूलिएगा सात फेरों की हेरा फेरी, ओनली ऑन सोनी सब। कैमरामैन सलील के साथ इतिराज, E24 न्यू दिल्ली।